अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डॉट अनीश बज़मी की फिल्म मुबारका 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसका प्रमोशन जोरों पर चल रहा है। इसी के प्रमोशन के लिए मुबारका की टीम बुधवार को द कपिल शर्मा के शो में शूट के लिए पहुंची थी। कपिल शर्मा मुबारका की टीम के साथ शो शूट करने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बीच में बेहोश हो गए, उन्हें फिर से कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया। मुबारका की स्टारकास्ट में शामिल अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, इलियाना और अथिया शेट्टी जैसे सितारे द कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे थे। चार घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें बगैर शूटिंग किए ही लौटना पड़ा। इस तरफ रहे स्टार्स का बार बार द कपिल शर्मा के शो से बिना शूट किए ही वापस जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा। मीडिया में कपिल के इस रवैये को अनप्रोफेशनल बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद नकी बहन ने मीडिया से कपिल की बीमारी का खुलासा किया। कपिल शर्मा की बहन पूजा देवगन ने एक लीड इन वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि इन दिनों भाई कपिल शर्मा को हेल्थ से जुड़े कई इश्यूज हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोग उन्हें अनप्रोफेशनल बता रहे हैं। वे काम का पूरा सम्मान करते हैं, शूट कैंसिल करने पर कभी कोई सफाई भी नहीं देंगे। आगे पढ़िए क्या हुआ है कपिल को। बहन पूजा ने बताया कि कपिल इस समय डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। बहन पूजा देवगन ने बताया कि कपिल ने फैमिली मेंबर्स से इस बारे में यानी डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। फोटो में शाहरुख खान के साथ कपिल शर्मा की बहन पूजा और उनकी माँ। कुछ समय पहले कपिल शर्मा को शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी, तब जब हीरी मिट सेजल के लिए शूट करने आए शाहरुख और अनुष्का को भी द कपिल शर्मा शो के सेट से बिना शूट किए ही लौटना पड़ा था। बीते शनिवार को द कपिल शर्मा शो में पुराने एपिसोड को टेलीकास्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को टेलीकास्ट किए गए एपिसोड के पहले डिस्क्लेमर भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि आज आप द कपिल शर्मा शो का रिपीट एपिसोड देख रहे हैं, अगले सप्ताह आप नया एपिसोड देख पाएंगे। उम्मीद है कि अगले सप्ताह नया एपिसोड नया किया जाएगा। हम दुआ करते हैं कि कपिल शर्मा की तबीयत में जल्दी सुधार हो, एक बार फिर से वे पहले की तरह लोगों के सामने आए। आप भी दुआ करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।